फ्रेंड्स, मैं हूं अनूप और आप देख रहे हैं अनूप चित्रवंशी ब्लॉग। मुंबई के एक और एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है और आज हम पहुंच चुके हैं महाराष्ट्र के पालघर जिले के महाशक्ति पीठ जीवदानी देवी धाम में। ये मेरे पीछे का जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ऊपर टॉप पे जीवदानी माता मंदिर का मुख्य धाम है। तो वीडियो में पूरा बने रहे, अंत तक देखें, और अगर चैनल पर नए हो, इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो गाइज, अगर आप भी जीवदानी देवी का दर्शन करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले आना होगा विरार, और लोकल ट्रेन से आप विरार पहुँच कर वहाँ से विरार ईस्ट से 20 रुपए की शेयरिंग ऑटो से जीवदानी देवी धाम पहुंच सकते हैं। अब मैं पहुंच चुका हूं जीवदानी देवी मंदिर, और यहां पर ढेर सारे दुकान आपको मिल जाएंगे जहां से आप फल फूल प्रसाद ले सकते हैं। दोस्तों, पालघर जिले के पूर्व में आस्था के शीर्ष पर जीवदानी माता का मंदिर विराजमान है। कभी इस शहर का नाम एक वीरा था और इसी वजह से इस मंदिर को भी एक वीरा देवी के नाम से भी जाना जाता है। माँ के धाम जाने के लिए यहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। माँ के धाम जाने का ये मुख्य गेट है और यहाँ से मंदिर तक पहुँचने के लिए भक्तों को करीब 1300 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। सीढ़ियाँ न चढ़ पाने वाले भक्तों के लिए यहाँ पर रोपवे की भी सुविधा दी गई है, जिसकी मदद से जो लोग सीढ़ियाँ चढ़ने में सक्षम नहीं है वो आसानी से माता का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, जीवदानी माता का ये मंदिर वैतरणा नदी के किनारे और सातपुरा पहाड़ी क्षेत्र में बसा हुआ है। वर्तमान में लोग इसे जीवदानी माता के नाम से जानते हैं। जीवदानी का अर्थ है जीवन देने वाली माता। जानकारों के मुताबिक इस सातपुरा पहाड़ी की श्रृंखला में पहले जीवनदायी औषधियाँ मिलती थी। इन औषधियों से लोगों की प्राण की रक्षा होती थी, इसलिए एक मान्यता यह भी है कि इसी वजह से माता का नाम जीवदानी पड़ गया। हालांकि और भी कई पौराणिक मान्यताएँ इस मंदिर की है, जो कि मैं वीडियो में आगे बताऊँगा। उससे पहले ये व्यू आप देख सकते हैं। शाम का वक्त है और मेरी ये दशा हो गई है सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते, क्योंकि इस वक्त यहाँ गर्मी काफ़ी ज़ोरों शोरों से पड़ रही है। तो कोशिश कीजिए कि जब भी यहाँ आएँ तो मौसम अच्छा हो तभी आएँ, गर्मी के दिनों में आने की कोशिश ना करें। सर, कौन सा रास्ता गया क्या? अरे कोई नहीं, ठीक है, ताकत नहीं है, ताकत माँ में है। आधे से भी कम रास्ता भी तय हुआ है और ये पूरा विरार ईस्ट वेस्ट का पूरा नज़ारा यहाँ से देखने को मिल रहा है। देखिए, सूर्यास्त होने को है, अभी वहाँ जाना अपने को। आ जाओ भाई। अरे जय माता दी बोलो, बढ़ते रहो। जय माता दी। जय माता दी। steps माता रानी के दर्शन के लिए, और उधर से देखिए कुछ लोग शॉर्टकट रूट लेके आ रहे हैं। दोस्तों, पुराणों के अनुसार इस मंदिर को पांडवों ने अपने वनवास के समय बनवाया था। उन्होंने सतपुरा पर्वतों में एक वीरा माता को एक गुफा में स्थापित किया था। वे इन्हें भगवती जीवदानी कहते थे। पांडवों ने उस समय इस मंदिर के आसपास के संतों, ऋषियों और मुनियों के लिए कई गुफाओं का निर्माण किया था। तब से इस क्षेत्र को पांडव डोंगरी के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर से कई और किदवंतियां जुड़ी हुई हैं। पौराणिक कथाओं में उल्लेख मिलता है कि आदि शक्ति ने राजा दक्ष की पूजा में भगवान शिव के अपमान पर अपने शरीर को हवन की अग्नि में तर्पण कर दिया था। भगवान शिव आदि शक्ति के शरीर को लेकर जा रहे थे, तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से 51 हिस्सों में विभाजन कर दिया था। माता आदिशक्ति के टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे थे वह जगह शक्तिपीठ बन गई। जीवदानी माता भी महाराष्ट्र के 18 शक्तिपीठों में से एक है। देखिए दोस्तों, कितनी ऊंचाई पर हम आ चुके हैं और अभी भी करीब 400 सीढ़ियां बाकी हैं। तो अब हम लगभग माँ के धाम के पास पहुंच चुके हैं और ये ऊपर से पूरा शहर का नज़ारा आप देख सकते हैं। शाम हो चुका है, सूर्य ढल चुके हैं और यहाँ पर लाइट्स भी ऑन हो चुकी है, और ये पूरा शहर, विरार का पूरा एरिया, नाला सोपाड़ा सब यहाँ से दिख रहा है। तो भाई, ऐसा लगता है मुझको मुकाम आ गया, माता जीवदानी का निकट ही धाम आ गया और हम लोग धाम के पास लगभग पहुंचने वाले हैं। ओहो, जय माता दी।
दोस्तों, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ जब इस तरीके से लोग माँ की भक्ति में चूर होकर डांस कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए एक बहुत ही अलग अनुभव था। और ये अंदर से पूरा एरिया, पूरा व्यू मैंने आप लोगों को दिखाया। हालांकि यहाँ पर कैमरा मना है, वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे, फिर भी मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। अब नीचे उतरते हैं और ये रात का नज़ारा आप देख रहे हैं जो कि एकदम टॉप से दिख रहा है, पूरा शहर यहाँ से देखने को मिल जाता है। तो दर्शन उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने किया होगा अच्छे से, और मेरी भी यात्रा अब यहीं पर समाप्त होती है। चलिए फिर किसी नए वीडियो के साथ आप लोगों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। जय माता दी।